हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज कवर करना है, और ये जो चैप्टर काफ़ी ईजी भी आता है और यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ से ना क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आता है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को देखेंगे, फिर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे जाएंगे, फिर हमारा तीसरा टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड उसके कैपेसिटीज वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को ना हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे बहुत ही क्लियर से, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब कि इसमें से जितने भी ऑप्शन है उसमें आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन नहीं है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन नीट 2020 में पूछ दिया गया था। इनहेल एयर, अब एयर को तो इनहेल किया ही जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो बिल्कुल सही बात है ह्यूमिडिफाई में। अगेन टेम्परेचर ऑफ इनहेल एयर, अब टेम्परेचर भी होना चाहिए इनहेल एयर का, जो भी एयर आप इनहेल कर रहे हैं वो टेम्परेचर होने चाहिए एंड ब्रॉट द बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो ये भी बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है। फिर प्रोवाइड सर्फेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, नहीं CO2 नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर सर्फेस प्रोवाइड किया जाता है बट O2 के लिए, ना कि CO2 के लिए, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, अगेन इट क्लियर इनहेल एयर फ्रॉम द फॉरिजिन पार्टिकल्स, तो क्लियरली इनहेल किया जाता है फॉरिजिन पार्टिकल्स को बाहर करके, तो ये भी बिल्कुल सही कहा जा रहा है, मतलब कि ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिगर बेस्ड है, जैसे कि आपको इस चीज़ का फिगर दिया है कि, ठीक है, अब यहाँ पे ना जैसे कि आपको यहाँ पे ट्रैकिया हो गया। ठीक है, ट्रैकिया के बाद जैसे कि आपको बी नंबर में क्या हो जाएगा, प्लूरल मेम्ब्रेन यहाँ पे हो गया, ये सब प्लूरल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर है। सी में आपको क्या हो जाएगा, एल्वोलाई, यहाँ पे जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं छोटे छोटे गुंबद, दैट इज़ एल्वोलाई, और ये तो आपको पता ही है कि ये क्या होता है, ये लंग्स होता है, मतलब कि बीच में ये लंग्स हो गया, सॉरी ये दोनों लंग्स हो गए और ये किडनी हो गया, और यहाँ पे ये जो डोम शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है दिस इज़ डायफ्राम। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे लिखा है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के बारे में क्या लिखा है कि लॉन्ग ट्यूब्स सेपरेटेड बाय द कंप्लीट पार्टिकल्स एंड रिंग्स ऑफ कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर नहीं होता है, सॉरी इंस्पायर्ड एयर ही नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होते हैं वो एक्सपायर्ड इंस्पायर्ड दोनों का काम करता है, ना कि कंडक्टिंग पार्ट ऑफ एक्सपायर्ड ओनली, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर यहाँ पे हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या कहा जा रहा है, बी में प्लूरल मेम्ब्रेन, सही बात है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सराउंडिंग रिब्स बोथ साइड एंड प्रोवाइड कैसन्स अगेंस्ट द रबिंग, तो रबिंग करने के लिए वो क्या करता है कि कैसन्स प्रोवाइड करने का काम करता है, लेकिन दिस इज़ द डबल लेयर स्ट्रक्चर एंड विच रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन लंग्स सर्फेस, मतलब कि ये लंग्स सर्फेस में फ्रिक्शन को रिड्यूस्ड करने का काम करता है, न कि कैसन प्रोवाइड करता है रबिंग के लिए, तो रबिंग से ही तो बचाना है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगेन फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है, एल्वोलाई जो होते हैं वो थीन वॉल के होते हैं और वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक्सचेंज करता है गैसों का, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर दूसरा ये जो डी नंबर में है, लोअर एंड ऑफ द लंग्स एंड डायफ्राम पुल इनटू डाउन ड्यूरिंग इंस्पायर्ड, तो इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड दोनों का काम करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर्ड, तो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल से स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल है। अगेन फिर से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि कैचिस का है, एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे एल्वोलर कैविटी पे क्या लिखा हुआ है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे। इस क्वेश्चन में बिल्कुल ही सिंपल सा आपको कंसेप्ट दिखेगा, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। अब स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन को लिए क्या चीज़ अफेक्ट होता है, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इंटेस्टाइन, किडनी, उसके बाद एंड ब्रेन दिया हुआ है, तो ये अफेक्टेड कौन सा होता है, ब्रेन ही होता है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन बता रहे, तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और वो अपिंग डाउनिंग होती है, तो वहाँ पे ब्रेन का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो द ब्रेन इज़ राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन एल्वोलाई, मतलब कि एल्वोलाई में, एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, लंग्स का जो एल्वोलाई होता है जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, द एयर एट द साइट ऑफ ऑक्सीजन गैस एक्सचेंजेस एंड सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी ब्लड बाय, तो ये किस चीज़ को सेपरेट करने का काम करता है, तो ये एल्वोलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी जो भी इंडोथेलियम के होते हैं, इंडोथेलियम के, वो सबको ये क्या करता है, मतलब कि सेपरेट करने का काम करता है, तो बी इज द राइट आंसर।
अगेन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो होते हैं उससे कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बताने हैं, ठीक है। जैसे कि चार ऑप्शन है, तो एक में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो डायफ्राम जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ही तो करने का काम करते हैं। अगेन फिर यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटर कोस्टल्स मसल, तो ये भी बिल्कुल सही है, इंटरनल कोस्टल मसल्स को ये सेपरेट करने का भी काम करते हैं। अगेन तीसरा ऑप्शन जो कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी डिक्रीजेस, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या डिक्रीज होते हैं, नहीं ये डिक्रीज नहीं होते, ये गलत ऑप्शन है। अगेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज इंक्रीजेस, तो ये डिक्रीज होना चाहिए था, ये इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन दोनों में उल्टा दिया गया है, तो दिस इज दोनों का दोनों इनकरेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे कि नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे ना आपको करेक्ट ऑप्शंस को चुनना है। जैसे कह रहा है एक्सप्रेशंस अकर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये गलत ऑप्शन है। एक्सप्रेशंस जो एक्सपायरेशन जो होगा वो इंटरनल में कैसे हो सकता है, वो तो बाहर आता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। अगेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायर, हाँ सही बात है, इंस्पायरेशन जब भी होगा ना तो यहाँ पे एल्वोलाई मतलब कि बाहर का जो सरफेस होगा उसका इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर, और जैसे ही अंदर जाएगा तो प्रेशर घटना स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही CO2 की बात की जाए तो CO2 का बाहर का प्रेशर कम होगा और अंदर जाके तो बढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, यहाँ पे क्या कह रहा है, एयर इज ब्रीथ थ्रू, एयर किसके थ्रू ब्रीथ किया जाता है, तो सबसे पहले नोज नसल्स, नोज आएंगे तो ये तो गलत ऑप्शन है, नोज कह रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि लैरिंग्स, तो लैरिंग्स के पहले फैरिंग्स आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। अगेन नोस्ट्रेल्स, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स, एल्वोलाई, बिल्कुल सही है, एल्वोलाई सबसे लास्ट होता है। नोज माउथ, अब माउथ कहाँ से आ जाएगा भाई, नोज से स्टार्ट करना है तो माउथ यहाँ पे तो ऑप्शन ही गलत है ना। अगेन अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे हैं सबको हम डिस्कस कर रहे हैं, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है इससे, है ना, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक ईयर आते हैं, मतलब कि समझिए कि आपका 16 नंबर कवर हो जाएगा यहाँ से। सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज जो टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन क्या आया हुआ था, द टोटल लंग कैपेसिटी मतलब TLC का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। इसका ये डिफिनीशन लिखा हुआ है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड बाय द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुली अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो फोर्सफुली करेंगे तो ER भी तो इसके इंटरनली आएगा ही आएगा, लेकिन फिर यहाँ पे टोटल, टोटल कहने का मतलब ERB भी आएगा, IRB भी आएगा, TB भी आएगा और एक RV भी आएगा, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, जिसका अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पे TLC बराबर मैंने लिख रखा है RV प्लस ERB प्लस IRB प्लस TV, तो इसको आपको याद करना होता है, ठीक है। RV का वैल्यू कितना होता है, 1200 मतलब 1100 से 1200, उसके बाद ERV का 1000 से 1100, IRV का कितना होता है 2500 से 3000 और TV का 500, ठीक है। तो ये टोटल लंग का मतलब कि यहाँ पे जैसे कि ऑप्शनली वाइज यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन है, लेकिन इसके मान रख करके, इसके वैल्यू रख करके भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज D। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज नोन एज, BC हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा नीट में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, मतलब कि NCERT के लाइन ही पूछ दिए गए थे, BC का डिफिनीशन ही पूछ दिया गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब टाइडल वॉल्यूम तो 500 होता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो कितना होता है, 1000 से 1100, ठीक है। एंड एथलीट जो भी मतलब कि धावक है, दौड़ रहे हैं, तो 500 ml एंड 100, अच्छा ये टाइडल वॉल्यूम को 500 दे दिया, एक्सपायरेटरी का 1000 ले लिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब व्हाट विल बी द एक्सपायरेशन कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम, अब रेजिडुअल वॉल्यूम में हम ERV और TV को मिला लेते हैं, तो ERV और TV को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 और 1000 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज 1500। अब यहाँ पे 1200 जो मान दिया है ना, वो रेजिडुअल वॉल्यूम का दिया गया है, क्योंकि 1100 से 1200 इसका वैल्यू होता है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकालना है, मतलब EC निकालना है, तो EC का वैल्यू होता है ERV प्लस TV, तो ERV का मान दिया है, TV का मान दिया है, और दोनों को जोड़ लिए तो हमारा क्या चीज़ निकल गया, उसका वैल्यू निकल गया, ठीक है, ERV। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जो कि मैचिंग का पूछा गया और बिल्कुल वैल्यू वाइज क्वेश्चन पूछा गया, जैसे टाइडल वॉल्यूम तो 500 तक होता है इसका, ऐसे NCERT में 500 दिया गया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 500 से 550, तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका 3 हो जाएगा। अगेन फिर है IRV का, तो जस्ट अभी मैंने बताया कि 2500 से 3000 को मिला लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे
1000 से 1100 तो इसका 4 हो जाएगा, अगेन रेजिडुअल वॉल्यूम का 2 हो जाएगा, 1100 से 1200 तो इसका 2 हो जाएगा, मतलब कि 3, 1, 2, 4 and 2 इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक द एल्वोलाई एंड डू नॉट कैलोप्स वैन अदर, मतलब आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायरेशन हो रहा है ना, तो इसमें ईयर भी आएगा चाहे ईसी आ सकता है, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया कि एल्वोलाई के थ्रू डू नॉट कहने का मतलब नहीं हो सकता इसके इंटरनली, तो सबसे पहले नहीं होगा तो ईआरबी को तो हटा ही लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्सफुली एक्सपायरेशन हो रहा है, तो फोर्सफुली में तो ये भी हट जाएगा, टीबी भी हट जाएगा, तो आरबी ही बचा ना, ठीक है, क्योंकि ये सब जो होता है ये नॉर्मली होते हैं, ये जो है टाइडल वॉल्यूम ये पर सेकेंड में मतलब कि कितना करता है, मतलब कि एक बार ब्रीथ, अब जैसे कि 12 से 16 बार ब्रीथ होता है पर मिनट, ठीक है, तो एक बार जब ब्रीथ होता है नॉर्मली तो 500 ml क्या करते हैं कि वो लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फोर्सफुली मतलब कि ऐसे नॉर्मली वो एक मिनट में ले, ठीक है, तो उनका 6000 से 8000 निकलता है ऐसा करके डाटा, तो डाटा आपको उतना याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से आते हैं, डाटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग्स डू नॉट कैलोप्स बिटवीन ब्रीथ एंड सम ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स विच कैन बी नेवर इन एक्सप्लेन्ड बिकॉज, तो ये नीट 2020 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कह रहा है कि कभी नहीं हो सकता। अब जैसे देयर इज़ द नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, लंग्स में नेगेटिव प्रेशर तो होता ही है, बिल्कुल सही बात है। अगेन फिर कह रहा है देयर इज़ नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा तो आदमी की डेथ हो जाएगी, तो ये गलत ऑप्शन कह रहा है, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन लिए गए हैं और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। जैसे कह रहा है लिस्ट बिटवीन 1 to 4 लिस्ट बनाया गया है इन द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम टू द नॉर्मल एडल्ट के लिए, जैसे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि रेजिडुअल वॉल्यूम 2500 होता है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम 2500 नहीं होता, ये गलत ऑप्शन है, ये आईआरबी का मतलब होता है, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का ये होता है 2500। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी का 3500 नहीं होता, ये आईसी का होता है, अगेन आईसी कहने का मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और फिर आईआरबी का वैल्यू दिया है 1200, तो ये गलत है, ये आरबी का होता है, मतलब उल्टा से उल्टा दिया हुआ है। उसके बाद इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 4500 दिया हुआ है, तो ये भी उल्टा दिया है। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट मैचिंग ऑफ टू कैपेसिटीज ऑफ द वॉल्यूम। अब ना करेक्ट मैचिंग आपको चूज करना है कि किसका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे टू में क्या था, वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी का कितना होना चाहिए था, वाइटल कैपेसिटी का आपको यहाँ पे दिया है 3500, लेकिन 3500 तो यहाँ पे है नहीं ऑप्शन, 2500 दिया गया, तो 2500 वाला ये ऑप्शन गलत हो गया। अगेन फिर दिया हुआ है क्या चीज़, थ्री में यहाँ पे होना चाहिए था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका होना चाहिए था 2500, ये 1200 दिया, तो ये भी गलत हो गया। अगेन फिर चौथे नंबर जो ऑप्शन है उसका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का 3500 नहीं होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे 3300 होना चाहिए था, ये गलत हो गया, सॉरी एक मिनट, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में आई आर बी यहाँ 35, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम दूसरा देख लेंगे, यहाँ पे वन नंबर पे रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि 1200 होता है, 1100 से 1200, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है लास्ट वाला, जिसमें वन नंबर पे दिया है रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि यहाँ पे 1200 होना चाहिए था, लेकिन 4500 दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ फोर आवर लंग्स, मतलब कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स के लिए क्या इनमें सही है, तो जैसे टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीसी हो जाएगा, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम को घटा लेंगे तो हमारा वाइटल कैपेसिटी निकल जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में अगर हम टाइडल वॉल्यूम जोड़ेंगे तो ये तो हमारा आरबी निकलेगा ना, जैसे कि यहाँ पे वीसी बराबर मैंने फॉर्मूला बना रखा है, वीसी के लिए क्या होता है, जैसे कि वीसी निकालने के लिए हमको टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी, मतलब कि वीसी का जब आप डिफिनीशन एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो ही ऑप्शन लिखा है, एक इसका एक टाइप का, एक इस टाइप का, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द क्वान्टिटी 1500 ml ऑफ द यहाँ पे जो दिया हुआ है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड द नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट इज रिफर्स टू, दिस इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सचेंज ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस कह रहा है, जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ह्यूमन विल ब्रीथ इन 100 ml ऑफ पर ऑक्सीजनेटेड। हाँ, अब 100 ml ऑफ पर ऑक्सीजनेटेड ml रहेगा तो ये 5 ml हो जाएगा। ये क्वेश्चन है नीट 2023 में भी पूछा गया है,
बिल्कुल सेम एज कॉपी कर दिया गया है, बस O2 की जगह CO2 हो गया है और इसका आंसर 4 हो गया, 4 ml। ठीक है, तो आपको यहाँ से ना दो दो क्वेश्चन बन गया, जैसे कि पॉन्ड हंड्रेड सब रहेगा लेकिन O2 की जगह CO2 आ गया तो यहाँ पे 4 ml हो जाएगा लेकिन O2 है तो 5 ml। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट एसर्शन रीजन क्या है, जो कि बिल्कुल सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है। लोगों को एसर्शन रीजन भारी लगता है लेकिन बहुत आसान है, देखिए कैसे आसान है। जैसे लिखा है ए पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड टू एक्सप्रेशन एल्टीट्यूड सिकनेस। अब एल्टीट्यूड सिकनेस जो होगा उसका सिम्टम्स क्या है, ब्रीथिंग कल्चर, हार्ट पल्टिपेशन, बिल्कुल सही है। अगेन रीजन इसी का कह रहा है, ड्यू टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर्स एंड हाई अल्टीट्यूड बॉडी डज नॉट गेट द सफिशियंट ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल सही है। मतलब करेक्ट ऑप्शन दिया जाए तो एसर्शन एंड रीजन करेक्ट है और मतलब कि रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वोलाई। तो एल्वोलाई में क्या होता है, एल्वोलाई जब रहेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब भी पूछेगा आपको तो हाई PO2 रहेगा और बाकी सारे के सारे लो कर लेने आपको, मतलब कि हाई PO2 क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूछा है ना, ऑक्सीजन के फेवर में पूछा है, तो हाई PO2 बाकी लो 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 मतलब कि लो CO2, लोअर H+, लोअर टेम्परेचर, सब कुछ लो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, द पार्शियल प्रेशर इन MMHg ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वोलाई। तो एल्वोलाई में अगर पूछ रहा है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो फिर से वही चीज़ें हैं। अब इसमें ना PO2 जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन PO2 कम होगा क्योंकि एल्वोलाई से हमारे नोज के इंटरनली हमारे कहाँ पे जा रहा है, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एट एल्वोलाई। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वोलाई के कंपेयर में बताना है पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजन का तो PO2 हो जाएगा लेकिन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2 का 14 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे इंटरनली जब जाएगा तो वो पॉजिटिव चीज़ है लेकिन जो नेगेटिव चीज़ है उसका पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये हमारे शरीर को और ज़्यादा हानि कर सकता है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नीट 2020 का है, जो कि मैचिंग पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे कि आपको देखिए, अब यहाँ पे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स जो होता है वो कहाँ होता है, कौन से रीजन में होता है, इन द ब्रेन, उसका O2 डिसोसिएशन कर्व। अब O2 डिसोसिएशन जो कर्व जो होता है वो हेमोग्लोबिन को डिसोसिएट करता है और कार्बन एनहाइड्रेज, अब यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो RBC पे मतलब कि अटैक करता है और प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज दैट इज एल्वोलाई। तो यहाँ से भी आप बना सकते थे D का बिल्कुल सिंपल सा है 1। अगेन फिर ये है तो इसमें से आप इसको चूज कर लेंगे कि 3 और 2 में। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर्स, मतलब कि 2 इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो कि नीट 2020 का क्वेश्चन है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करना है, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर इन O2 बाइंडिंग विद, नहीं बाइंड नहीं हो सकता। अगेन हायर H+ कंसनट्रेशन, उसके बाद कंसनट्रेशन ऑफ एल्वोलाई फेवर इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है। मतलब कि H+ कंसनट्रेशन यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फेवर में क्या होता है, ज़्यादा होता है, हायर होता है और बाकी सब के सब लो हो जाते हैं। तो दिस इज़ द, नहीं ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तब जा करके ये हाई होता है लेकिन यहाँ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे O2 का जो होगा वो सही होगा और बाकी जो भी H+ कंसनट्रेशन है या फिर पार्शियल प्रेशर हो गया या फिर CO2 का हो गया, सबके सब डिक्रीज होते हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन मतलब कि रॉन्ग है, सॉरी रॉन्ग है। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन ऑफ H+ मतलब कि pH ऑफ द ब्लड विल बी, अब निगेटिव, अब यहाँ पे नीट 2019 में पूछा गया था, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई एट ऑफ द लंग्स इज, तो इसका राइट आंसर्स मोर देन द ब्लड प्रेशर। ठीक है, मतलब कि ब्लड जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, उससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा ना वो ब्लड से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि जब हाई से लो में आते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन लो से जब हाई बढ़ जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, अगेन अप्रॉक्सीमेटली 17%, अब 70% जो होगा वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड कितना परसेंट, 70% किसके थ्रू, बाइकार्बोनेट के थ्रू, 7% होता है RBC के थ्रू और प्लाज्मा के थ्रू जो बच गया सो बच गया। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब यही क्वेश्चन जैसे कि आपको यहाँ पे CO2 का आ गया, यही अगर O2 कहता तो बाइकार्बोनेट, अब जैसे कि O2 कहता तो प्लाज्मा के थ्रू और RBC के थ्रू ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT के है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो सिग्मोइड कर्व का होता है, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सिस्टम बाई वनली, तो प्लाज्मा एंड इरेथ्रोसाइट, मतलब RBC यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक एनहाइड्रेस अकर्स इन, कार्बनिक एनहाइड्रेस जो होते हैं वो RBC पे अकर्स होते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये CPCB जो है ये आपके NCERT के बिल्कुल हाईलाइटेड लाइन में है, और इसका साइज पूछा गया है कि साइज़ कितना होना चाहिए विद द पार्टिकल, मतलब कि CPCB जो बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको ना पार्टिकुलेट जो भी कचरा वगैरह होता है उसका साइज पूछा जा रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटर एंड हार्म ह्यूमन हेल्थ, मतलब कि ह्यूमन को ऐसे साइज वाले जो अगर कचरे होंगे तो वो अटैक कर सकते हैं, तो 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये बिल्कुल NCERT का लाइन है, बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सिलिकोसिस, है ना, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स, अब यहाँ पे बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैच, अब रिप्रेजेंट किया गया है अस्थमा और इम्फाइसेमा को लेकर के, तो इम्फाइसेमा और अस्थमा नाम की बीमारी में सबसे पहले तो इन्फ्लामेशंस हो जाता है ब्रोंकियोल्स में, किसमें, अस्थमा नाम की बीमारी में, और इम्फाइसेमा में डिक्रीज द रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है। इसमें कह रहा है इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिस्टम, गलत है, इंक्रीज नंबर ऑफ द ब्रोंकियोल्स, गलत है, डिक्रीज द रेस्पिरेटरी सरफेस, गलत है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिक्रीज होता है लेकिन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स के इंटरनली नहीं आता है, इसमें मतलब कि जैसे कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स लिखा हुआ है तो ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन तो आते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस को डिक्रीज कहा गया तो ये इम्फाइसेमा में तो नहीं होता, हमें इसके अकॉर्डिंग भी चूज़ करना है कि इम्फाइसेमा में क्या है, तो इम्फाइसेमा के इंटरनली ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन होता है और अस्थमा के अकॉर्डिंग और इम्फाइसेमा के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नीट 2016 में पूछा गया था, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज, अब ना आपको क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को बताना है जो कि क्या कॉज करता है, मेनली सिगरेट स्मोकिंग से वो बीमारी होता है, तो इम्फाइसेमा नाम की बीमारी सिगरेट पीने से होती है, ज़्यादातर सिगरेट का सेवन करने वाले को इम्फाइसेमा नाम की बीमारी हो जाती है और उनको फिर बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेम द पल्मोनरी डिसीजेज इन विच एल्वोलाई सरफेस एंड एयर इन्वॉल्व इन द गैस एक्सचेंज ऑफ डिस्टिंक्टली रिड्यूस टू द डैमेज ऑफ द एल्वोलाई वाल्व, एल्वोलाई वाल्व वही इम्फाइसेमा नाम की बीमारी में जिसमें सिगरेट पिया और उसकी मतलब कि लंग्स वगैरह खराब हो गई जिसके कारण उसको प्रॉब्लम होगी। अगेन फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोस, नहीं ये तो अस्थमा का है। अगेन फिर नेक्स्ट है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स ऑफ पॉन्स रीजन्स एंड ब्रेन कैन बी इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। वर्कर इज गाइडलिंग टू द स्टोन ब्रेकर, हाँ स्टोन ब्रेकर जो वर्कर्स होते हैं ना वो इंडस्ट्रीज में भी द सफर फ्रॉम द लंग्स फाइब्रोसिस, हाँ इनको ना क्या करना चाहिए, मास्क वगैरह लगा करके काम करना चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही कहा जा रहा है। अब देखिए AIPMT 2012 में यहाँ से सिगरेट स्मोकिंग इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोस पे क्वेश्चन आया था या नहीं, और इसी चीज़ को फिर से दोबारा आपको यहाँ पे देखिए नीट 2016 में पूछा गया या नहीं, फिर यहाँ पे भी आपको नीट 2018 में पूछा गया नहीं, मतलब कि समझिए कि AIPMT के क्वेश्चन या फिर नीट के क्वेश्चन जितने भी है वो सब रिपीटेड होते हैं हर साल, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो ऑन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगला जो हमारा पार्ट होगा वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पे होगा, इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, अगर वो आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ से क्लैरिटी मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए वो वीडियो है, ठीक है। तो फटाफट से जाइए और देखिए वीडियो को, और इस वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।